ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੇ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम दिल्ली से आगे केएमपी एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, जिसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे भी कहा जाता है। और किसानों ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज ये पूरा हाईवे जो है ब्लॉक किया है। हमने उनसे बात की है और जानने और समझने की कोशिश की है कि वो आंदोलन के भविष्य को कैसे देखते हैं, ऐसे समय में जब सरकार जो है उनकी पूरी तरीके से अनसुनी करके चुनावी मोड में है। सरकार बोलती है कि किसान कम हो गए, किसान वापस जा रहे हैं। जो सरकार बोल रही थी वो दिस रहा है भी किसान कम नहीं हुए, जो किसान पहले थे उतने ही किसान बैठे हैं। जो ट्रैक्टर गए हैं तो किसान नहीं गए वो काम करने के लिए। दूसरा है किसानों की एकता का सवाल, जो नौजवानों की बात करते थे, सबसे ज्यादा नौजवान आज इस संघर्ष में बैठे हैं केएमपी रोकने के लिए। आज 5 घंटे के लिए केएमपी जहां से परवल तक रोकी जाएगी, इसलिए सरकार को ये एक किसानों का चैलेंज है। दिखाया जा रहा है कि सरकार पहले बोलती है कि एक स्टेट का मोर्चा है, आज इसमें हरियाणा वाले भी हैं। वहां परवल में जाएंगे तो मध्य प्रदेश और यूपी वाले लोग होंगे, राजस्थान वाले होंगे, सभी स्टेटों के लोग जहां इकट्ठे होकर के इसको रोक रहे हैं और सरकार के जो इस बात को जुटला रहे हैं कि किसान कम हो रहे हैं। भारत के अंदर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशल डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन एक तरफ फेंक करके यहाँ की जो सरकार है वो इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, देश के चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है, सच्चाई को दबाने का प्रयास करती है। लेकिन ये एग्जाम्पल है कि विश्व के तमाम देशों को भारत देश की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान हो चुका है और उनको ये ज्ञान है इंटरनेशनल लॉबी को कि भारत के नागरिक की रोजी रोटी पर वहां की सरकार बहुत बड़ा हमला कर रही है। देखो जी, जो तुम अंदोलन की बात कही आ, यह अंदोलन हुण इस वेले लड़ाई सिखरां ते आ। यह जिहड़ा इहनां दा गोदी मीडिया यही दिखा रहा, अंदोलन बहुत जल्दी खत्म हो जाना। जिस तरह साडा इस वेले जोर चल रहा, जिवें 5 स्टेटां दे विच चोणां हो रहियां ने, उत्थे साडे किसान आगू जा रहे ने इन्हां दे खिलाफ आ। जिहड़ा जिस तरह दिल्ली दे विच लोकां ने इन्हां दा सुपड़ा साफ कीता, उत्थे भी भाजपा दा जिहड़ा ग्राफ आ इस वेले समुचे हिंदुस्तान दे विच आ जिहड़ा बहुत गिर चुक्या। तुसीं बाहर ला लो अपने इंग्लैंड की संस्था ने जिथे 1 लाख लोगों ने पटीशन से साइन किए, उसकी कल सुनवाई हो रही है। इसी तरह कनेडा के वख वख जिन्हें भी वार्ड के सारा जो इस दे खिलाफ इस टाइम जो उछंगार चल रहा, जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो यह बिल्कुल भाजपा का जो वार्ड के सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिस समय महाराज देश आजाद होया उस समय 2.5 क्विंटल गेहूं और 1 तोला सोना उसी कीमत बराबर थी। आज सोना 50,000 रुपये प्रति तोला है और गेहूं 1500 रुपये प्रति क्विंटल है। रही पेंशन की बात, अध्यापकों की पेंशन कोई भी सरकारी वर्ग हो उनकी 150 गुना पेंशन बढ़ गई, लेकिन किसान का सिर्फ 19 गुना दाम बढ़ा है। इसलिए किसान आत्महत्या करने लोग विवश हो रहा है। इस देश में चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये सभी किसानों का शोषण करने वाले हैं। इस देश की आबादी का बड़ा हिस्सा, बहुत 2/3 आबादी नौजवानों की है। नौजवान बेरोजगार तुरे फिरते ने, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं ते उन्होंने रास्ता कोई नहीं मिलता। अज इस देश का नौजवान जिड्डी वड्डी पद्धर ते इस अंदोलन विच शामिल होया है, ये अपने आप विच इक मिसाल है। और ये तो भी वड्डी मिसाल है भाई, वह डिसिपलिन विच है, मोदी ने WTO के अंदर समझौता किया, WTO ऑल इंडिया व्यापार संगठन, उसके अंदर समझौता किया है, तभी उसके हाथ फंस गए हैं। वो न इधर का न उधर का है, ठीक है। WTO में जो समझौता गया उसके अंदर जो उनकी मनमर्जी चलेगी, किसान का भाव वो तय करेंगे, हमारी फसल औने पौने दामों खरीदेंगे, ये नीति हमारे यहाँ आ गई।
ये अडानी अंबानी का जिक्र आता उतर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये WTO नीति का परिणाम है। पूरे भारत के लोगों की संसद है, लेकिन कमाल की बात है देश के चंद आदमियों के लिए काम कर रही है, और ये हैरानी की बात नहीं है, एक फैसला लेने की बात है। ये देश भारत के हर नागरिक का देश है, ये देश 1,45,00,000,000 लोगों का देश है। ये जो काला रंग है ये रोष का प्रतीक है, इसलिए काली पगड़ी बांधी है, काले झंडे हैं। जो मोदी सरकार है वो मान नहीं रही है, सेंटर सरकार है वो इन किसानों को आतंकवादी का नाम दे रही है, जबकि आतंकवादी है तो ये ऐसे शांतमयी प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी क्या होते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई और बात तो है नहीं कहने के लिए, वो इस आंदोलन को भंग करने के लिए अपने अलग अलग हथकंडे बना रही है। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਲਕੱਤੇ ਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਡਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ਿਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, और इसके लड़ते हुए इनकी मांगों को, तीन कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है MSP है, MSP रहेगी, देश में कहीं भी MSP नहीं मिलती, MSP से कम लोगों की, किसानों की फसल की खरीद होती है। इसलिए हम उन किसानों को अपील करेंगे बंगाल के को कि जो BJP को हराता है उसको वोट दे, और BJP को हराए ताकि उसको एहसास होए कि हम किसानों के साथ जो पंगा ले रहे हैं ये महंगा पड़ेगा।